दुनिया को अपना लोहा मनवाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम रहे योगी आदित्यनाथ दोनों मां को लेकर बेहद ही भावुक हो जाते हैं। भले ही दुनिया के लिए ये पत्थर दिल के हो, लेकिन दोनों मां को लेकर बेहद ही संवेदनशील है। यूपी में इतिहास रचने के बाद मोदी और योगी दोनों अपनी मां को बहुत याद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी तो याद करके रोने भी लगे थे और वादा किया था कि चुनाव के बाद अपनी मां सावित्री देवी से मिलने के लिए जरूर जाएंगे। मोदी और योगी दोनों का दिल बच्चों जैसा है। मोदी जब भी कोई बड़ी जीत हासिल करते हैं तो अपनी मां हीराबेन से मिलने के लिए जरूर जाते हैं। यूपी में प्रचंड जीत के बाद मोदी फिर से अपनी मां से मिलने के लिए गुजरात पहुंचे। करीब 2 साल बाद मोदी मां से मिले हैं। इससे पहले तब मिले थे जब 2019 में प्रधानमंत्री बने थे। इस तस्वीर को देखिए जहां एक ही टेबल पर मोदी और उनकी मां हीराबेन बैठी हुई हैं। मोदी कितना भी सख्त हो लेकिन मां के सामने 5 साल के बच्चे बन जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरह योगी भी अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पिछले साल कुछ ऐसा हुआ कि योगी अपनी मां के सामने कभी नहीं जा सके क्योंकि उन्हें डर लगता है। योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मां से मिलना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। डर भी है उन्हें कि कैसे मिले। दरअसल 1 साल पहले कोरोना के दौरान योगी के पिता की मौत हो गई थी, तब योगी नहीं जा पाए थे। इसी बात का डर योगी को सता रहा है कि आखिर वो कैसे अब आंखें मिला पाएंगे माँ से। लेकिन जब एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया तो उनकी आंखें भर आई थी, रोने लगे थे। और चुनाव से सिर्फ 5 दिन पहले योगी ने वादा किया था कि चुनाव खत्म होने के बाद वो माँ सावित्री देवी से मिलेंगे, लेकिन योगी से पहले मोदी की तस्वीर आ गई। क्योंकि ये सच है, यूपी में योगी की जीत के पीछे मोदी का बड़ा हाथ है। इसीलिए कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जाता है कि दिल और दिमाग पत्थर जैसा है, लेकिन मां को याद करके भावुक हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरह योगी का दिल भी बच्चों जैसा है। अपने परिवार को छोड़कर पहले सन्यासी और अब एक राजनेता बन चुके हैं, जिसका विकल्प किसी के पास नहीं है। जिस तरह से मोदी अपनी मां के साथ खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक इसी तरह की तस्वीर कभी भी आ सकती है जिसमें योगी अपनी मां के साथ दिखेंगे। 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दूसरी बार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचे और यहां पर एक बड़ा शो भी किया। इसके साथ ही अहमदाबाद पहुंचकर अपनी मां से मुलाकात की। मोदी और योगी भारत के पहले ऐसे दो नेता हैं जो अपने परिवार से अलग रहते हैं। आज भी योगी और मोदी का परिवार साधारण सी जिंदगी गुजारता है। ये बात इन दोनों नेताओं को खास बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अब मोदी ने खुद योगी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। आपको याद होगा कि 21 नवंबर 2021 को सीएम योगी के ट्विटर हैंडल से तस्वीर पोस्ट की गई थी। इस तस्वीर में पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखकर कुछ बात करते दिख रहे हैं। इस तस्वीर के कैप्शन में योगी आदित्यनाथ ने लिखा था, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। इस तस्वीर की उस वक्त जमकर चर्चा हुई और विपक्षी दलों ने इस तस्वीर का जमकर मजाक भी उड़ाया, लेकिन इसी तस्वीर ने योगी और मोदी की ताकत को साबित कर दिया और अब योगी देश के अगले प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। उस्ताद, आपत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।